हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ रविवार मार्केट, जो होता है संडे मार्केट। स्पेशली संडे को यहाँ पे लगते हुए हैं मार्केट, बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में, चीप प्राइस में, और जो बिकते हैं वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड ये जो है अहमदाबाद में मार्केट होता है, मतलब जो भी एड्रेस वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। समझ लीजिए लाल दरवाज़ा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दूर पे ये भी मार्केट आपको मिल जाएगा। सिर्फ संडे को यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे आपको नज़ारा इस तरह से देखने को मिलता है, जैसे पुराने पुराने जो सामान होते हैं ना, मतलब स्टॉक जो होते हैं वही निकल के यहाँ पे आते हैं, और बहुत ही सस्ते प्राइस में, जैसे हुआ 50 रुपये में, 60 रुपये में, 30 रुपये में, टी शर्ट हुआ 50 रुपये में, 60 रुपये में मिल जाते हैं। तो आप समझ लो इतने में कितना ज़्यादा सस्ते में और होता है, किस तरह से होता है। तो वीडियो को फुल एंजॉय करना, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डिटेल्स में वीडियो होने वाली है। तो ये पार्ट वन वीडियो मैं लेके आई हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि एक ही साथ मैं नहीं सारा चीज़ें दिखा सकती हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती हैं। चैनल पसंद आ जाए मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और भी क्या देखना है आप ज़रूर बताना कमेंट के ज़रिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट का नज़ारा कैसा है, किस तरह से भीड़ होती है। तो यहाँ पे जब आने के बाद ना, आप जब आओगे तो इतना ज़्यादा लोग दिखाई देंगे कि आपको सामान तो दिखाई नहीं देगा। सबसे पहली बात तो पहले आप यहाँ पे आओगे तभी आपको पता चलेगा। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से लगे होते हो, जो शॉप होते हैं इस तरह से लगे हुए होते हैं। जैसे पुराने स्टॉक जो होते हैं वो टी शर्ट होते हैं, टॉप होते हैं, लड़कियों के लिए भी कुर्ती और जो भी लेगिंग्स वगैरह है, सारी चीज़ें मिल जाती है 100 रुपये में, 60 रुपये में, 40 रुपये में, और बहुत मैंने देखे थे वो 50 रुपये में भी कपड़े मिल रहे थे जो बेच रहे थे भैया। और यहाँ पे आपको ना बर्तन के सामान और घर की हर चीज़ मिल जाती है। छोटी से छोटी चीज़ें लेने आ जाओ ना तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, बट थोड़ा क्या होता है वो पुराने थोड़े होते हैं, और जो भी सही चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। तो ये बिल्कुल नए नए नहीं होते हैं, तो थोड़े पुराने स्टॉक लगते हैं और वो सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप छांट सकते हो, पसंद कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो आपको पसंद आए वो आप चूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको और भी इस तरह से आपको मार्केट का नज़ारा दिखा देती हूँ, किस तरह से वहाँ पर शॉपिंग किया जा सकता है, किस तरह से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये जो संडे मार्केट है ना, सिर्फ संडे को ही लगता है स्पेशली, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फुटवेयर था, मतलब जो होता है ना फुटवेयर, वो मिल जाता है सिर्फ 60 रुपये में, 60 रुपये में ही था। तो यहाँ पे आपको 60 रुपये में, 30 रुपये में, 40 रुपये में, एंड बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। बच्चों के लिए चप्पल है और सभी चीज़ों के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए चप्पल वगैरह मिल जाते हैं। एंड आगे की साइड चलते हैं, हम बहुत ही सारा आपको शॉप दिखाएंगे। और यहाँ पे बैंगल्स मिल जाते हैं, जैसे ज्वेलरी होते हैं जो पुराने होते हैं वो मिल जाते हैं बहुत सस्ते में। और यहाँ पे आपको टैटू लगवाना है तो टैटू भी लगवा सकते हो, और घर के सारे सामान यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा सा मार्केट है, तो यहाँ पे जब आप घूमोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड आप यहाँ पे आप देख सकते हो बैंगल्स वगैरह मिल जाते हैं 30-40 रुपये में, आपको मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। ये मतलब जो होते हैं ना प्लास्टिक वगैरह के, वो यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन था, तो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएंगे।
और साड़ी भी यहाँ पे दिख रही थी, तो साड़ी की जो प्राइस था 100 रुपये में ये सारे मिल रहे थे, 150 या 100 रुपये में इस तरह से आपको मिल जाएंगे साड़ी जो होती है। तो बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ देखने को मिल जाती है, और बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में यहाँ पे आप देख सकते हो साड़ी मिल जाती है। और स्वेटर वगैरह भी मिल जाते हैं 200 रुपये में, 150 रुपये में आपको स्वेटर वगैरह मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। एंड 100 रुपये में भी मिल जाएगा, और 150 में भी मिल जाएगा, 200 तक का भी मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाती है, ये सस्ते वाले ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि महंगा यहाँ पे कोई चीज़ है। तो सस्ता सा मार्केट है, और सस्ती चीज़ें अगर आपको लेनी है या ढूंढनी है ऐसी चीज़ें, तो आप विज़िट कर सकते हो रविवार मार्केट में, और आके आप ले सकते हो। एंड बस इस तरह से आपको मार्केट देखने को मिलेगी। लेकिन भीड़ की मामले में बात करूँ तो, लोगों की मामले में बात करूँ तो, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से लगे हुए होते हैं, और आप देख सकते हो इस तरह से हमारा जो मार्केट है यहाँ पे लगे हुए थे। जैसे पिलो का कवर जो होता है वो 20 रुपये में मिल रहा था, सिर्फ 20 रुपये में। एंड आपको छांटना पड़ता है कौन सा अच्छा है, कौन सा फ्रेश माल है, वो उसे निकालना पड़ता है। तो 20 रुपये में आपको कहाँ पर मिल जाएगा पिलो कवर, कहीं नहीं मिलेगा। तो 20 रुपये में आपको पिलो कवर कॉटन फैब्रिक का मिल जाता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ज़्यादा टिकाऊ वाला। और बेडशीट की बात करें तो आपको 150-200 रुपये में और 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। अभी विंटर सीजन है ना, तो आपको बच्चों के जो कलेक्शन है, स्वेटर है, मोजे हैं, सभी चीज़ें मिल जाएंगी, टोपियां हैं बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। जैसे 10 या 20 रुपये में आपको मोजे मिल जाएंगे, एंड 50 रुपये में टोपी मिल जाएगी, 100 रुपये में आपको स्वेटर मिल जाएगा, कुछ इसी प्रकार से आपको कलेक्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा प्राइस नहीं देनी होती है, 100 रुपये, 150 रुपये एंड 30 रुपये में तो मोजे वगैरह मिल जाएंगे, 20 रुपये में मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो 20 रुपये में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रहे थे। 10 रुपये में ये जो क्लचर वगैरह है वो मिल रहे थे। ये जो स्टॉक था ना, मतलब ये जो शॉप था, सिर्फ इसमें 10 रुपये का सामान था। आप देख सकते हो क्लिप है, क्लचर है, जो भी है रबर बैंड है, वो सिर्फ 10 रुपये में मिल रहे थे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो मार्केट है इसी तरह है। अगर आपको कुर्तियाँ वगैरह चाहिए ना, तो आप ले सकते हो, मतलब 150 में ले सकते हो, 200 रुपये में, ये सारे जो दिख जाएंगे आपको 200 में, पूरा पीस आपको पैजामे के साथ मिलेगा, दुपट्टा भी मिलेगा और प्लाजो भी मिलेगा, एंड लेगिंग्स वाले भी हैं होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से 200 का पूरा सेट था, मतलब एक चीज़ नहीं मिलेगी आपको, तीनों चीज़ सेट में मिल जाएगी। तो बहुत ही प्यारे प्यारे सेट थे वहाँ पे, सिर्फ 200 रुपये में, एंड आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। बार्गेनिंग भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा लेना है, 2-3 लेना है, तो कम प्राइस और भी कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे पूरी साइड आपको एक शॉप ही शॉप देखने को मिल जाता है, छोटा छोटा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे घर के लिए अगर कुछ लेना चाह रहे हो, डेकोर के लिए फ्लावर पॉट या कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी आपको लेना हो, तो आप यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इस प्रकार से। Thank you.
फुटवेयर मुझे देख रहा था जो बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, सिंपल सा भी था, बट इसकी जो प्राइस है मैं आपको बता दूँ, 150 में आपको दो लेने पड़ते, तो यहाँ पे आपको 70 रुपीज़ देने पड़ते इस फुटवेयर का। तो अच्छा खासा था बट थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। एंड अगर ये 100 रुपीज़ में दो होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ना साइड में इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाए, पैंटी वगैरह, ब्रा वगैरह भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे इस तरह से लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने संडे को। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट बार यहाँ पे आई थी, और पहले मैं इस मार्केट में नहीं आई थी। तो यहाँ पे टेडी बियर वगैरह भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो 50 रुपये में, 60 रुपये में मिल जाएंगे आपको, सिर्फ 60 रुपये या 50 रुपये में, यही इसकी प्राइस है। ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखा नहीं था, सिर्फ यही वाला एक शॉप था जहाँ पे मैंने देखा था इस तरह से थी। एंड ये 30 रुपए में मिल रही थी, तो सिर्फ ये 30 रुपए में इस तरह से जो बड़े वाले स्टोन होते हैं ना, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। मतलब वेस्टर्न वियर के साथ आप वेयर करोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा 30 रुपए का, एंड अच्छा ही लग रहा था। तो आपको कैसा लग रहा बता रहे हो, बताना कमेंट के ज़रिए। एंड यहाँ पे आपको क्लचर मिल जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी यहाँ पे, ये वाली थी जो प्यारी लग रही थी, सिर्फ 30 रुपए में थी, तो अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग देखी जाए तो 30 रुपए में क्या ही लोगे। अब बात करते हैं शीशे का, जो मिरर होता है ना, मिरर का भी शॉप था यहाँ पे, आपको देख जाएगा 100 रुपये में, 150 रुपये में मिरर आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड छोटे छोटे होते, प्राइस अकॉर्डिंग, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस होती है। यहाँ पे जो वॉच था ना, मैं घड़ी में पूछ रही थी इनसे, तो ये 100 रुपये में बोल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा मुझे प्राइस लगा था। 100 रुपये में ये वाला मिल रहा था, तो आपको 100 रुपये में कहीं पे भी ऐसा घड़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने प्यारे ये घड़ी है, 100 रुपये में सिर्फ थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जीन्स, टॉप, टी शर्ट, हर चीज़ अवेलेबल है, बस आपको देखना है। और थोड़ा सा पुराना वाला जो स्टॉक होता है वो निकल के रखा रहता है, वही वाला आपको मिलेगा कम प्राइस में। एंड आप कंफ्यूज मत होना कि बहुत ज़्यादा न्यू वैरायटी का मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो पुराने स्टॉक जो होते हैं वही बिकते हैं यहाँ पे।
अगर आपको यहाँ पे आना है, देखना है, तो ज़रूर एक बार आके देख सकते हो। मैं फर्स्ट बार आई थी तभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर किया है। पार्ट टू मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो देख लेना वीडियो, एंड यहाँ पे खिलौने वगैरह सभी चीज़ें मिल जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड इस तरह से आपको घर के सारे आइटम मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे होते ना वो सारे आइटम मिल जाएंगे। और यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे आपको, पैंट वगैरह, शर्ट वगैरह वो भी मिल जाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए गाइस। बाय बाय।